राधे, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही खास है, तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। और सबसे पहले आप बता दीजिए, ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है? आई होप ठीक ही लग रही होगी क्योंकि आप लोग बताना, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लग रही यार। ये जो झलरी है ना इसकी यहाँ पे, ये मुझे कम जम रही है। और कलर तो बहुत प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं बैगनी कलर है मैंने। तो दोस्तों चलिए अभी हम आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक, बाय। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना, हमारे घर जो है तिलक की तैयारी शुरू हो गई है, यानी हमारे देवर जी की। आप लोग को पता ही है, हमने आप लोग को कई ब्लॉग में बताया हुआ है कि हमारे देवर जी की शादी है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे देखो जो है मंडप की तैयारी शुरू है, यहाँ पे मंडप बनाया जाएगा जहाँ पे जो है हमारे देवर जी का तिलक होने वाला है। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, सजाने की तैयारी शुरू हो गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम और अभी जो है खाना खाने वाले हैं। ये देखो आज बनी हुई है तहरी। अब है क्या हुआ? कुछ किया है। लो मैं खिला दूंगी ना, लो जो मैं खिला दे रही हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो मेरा ब्लॉग है आप लोगों को पसंद ज़रूर आने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि आज हमारे घर जो है तिलक है, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर शेयर कर देना, और मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, तो ये देखो मैं अपने बेडरूम में हूँ, यहाँ पे हम दोनों खा रहे हैं खाना। तो ये देखो मेरे अभी को जो है नोजी पे चोट लग गई है, खेल रहा था ना अचानक से जो है फिसल के गिर गया, उसकी वजह से यहाँ पे जो है उसके स्क्रैच आ गए हैं। चलिए खिला देते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, बाय दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया था ना कि यहाँ पे जो है मंडप बनने वाला है, तो ऊपर की तरफ जो है सजावट हो गया है, अब नीचे सजावट चालू है। तो ये है मेरा नया वाला घर, और जस्ट उसके सामने है मेरा पुराना वाला घर, और जो अभी आई मेरी कार थी। तो यहाँ पे देखो बफर का सिस्टम किया गया है, यहाँ भी टेंट लगना शुरू हो गया है। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो डेकोरेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में, हम आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग भर भर के कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब आप लाइक करते हैं तो दिल खुश हो जाता है, जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, हम क्या बताएं आप लोगों को। और हाँ, थोड़ा बहुत आप नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ना, तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट में बोलते हैं कि भाभी आप जो है रिप्लाई तक नहीं देती हो। तो दोस्तों क्या करें, मौका ही नहीं मिलता कि हम आप लोगों को रिप्लाई दें। आप लोग मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं, प्लीज़ दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोग को दिखाया था ना कि खाने की तैयारी शुरू हो गई है, यहाँ पे देखो अब हमारे हबी जी हैं, सब कुछ चाय पिला रहे हैं। तो आई होप ब्लॉग जो है अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद तो हमारी यही है, और हम लोग जो है कोशिश करते ही रहते हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ मेरे ब्लॉग पे जाएगा, कुछ आप लोगों को प्रियादीप ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, तो आप दोनों चैनल को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है, आप दोनों चैनल को ज़रूर देखना। यूपी ब्लॉगर आराध्या, ये मेरा चैनल है आप लोग को पता ही है, और प्रियादीप ब्लॉग वो हमारी ननद जी का चैनल है, यानी हमारी दीदी का। तो कुछ उनके चैनल पे वीडियो जाएगा, कुछ मेरे पे, मतलब पार्ट वन पार्ट टू करके वीडियो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत करना, अगर आप मिस कर देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कौन सा पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचते रह जाएंगे कि अरे यार भाभी ने जो है ये वाला वीडियो डाला हुआ है, इसके बाद तो दूसरा वीडियो डाल दिया, अब इसके जो पीछे वाला रस्म थी वो कहाँ गया। तो इसलिए मैं आपको
अपने वीडियो में बता दे रही हूँ, कुछ मेरे चैनल पे और कुछ दीदी के चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना दोस्तों। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ी सी म्यूजिक, आप लोग इंजॉय कीजिए क्योंकि हम आपको बोर नहीं करना चाहते। आप हमारी बातों से ना बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं क्योंकि कमेंट करते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि जो मेरी आवाज़ है, जो हम आपको पकाते हैं ना, वो आपको बहुत तकलीफ़ देती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं म्यूजिक और आप लोग इंजॉय कीजिए। ये हमारी ननद जी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं म्यूजिक और आप लोग इंजॉय कीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा वाला भाई आ चुका है और हम लोग जो है साथ में जो है पिक्चर निकलवा रहे हैं, यानी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जो हमारे हबी हैं वो खींच रहे हैं, बोले कि मेरी मोबाइल में सबसे ज़्यादा अच्छी आती है, आप वाले में नहीं आती। मैंने कहा कि नहीं, मेरे वाले में अच्छी आती है, आप वाले में नहीं आती। तो अब देखो मैं इनको दिखा रही हूँ कि देखो मेरे वाले में अच्छी आ रही है और आप वाले में बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे देखो हमारा जो प्रत्यूष है वो आया था मोबाइल लेने के लिए, कुछ उसको काम है ना इसलिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद, ठीक है। हम लोगों की मस्ती जो है चालू हो गई है। और यहाँ पे देखो हमारी अम्मा जी हैं, हम लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और बाहर तो हलवाई लगा है, आप लोगों ने देखा ही, और उधर जो है तिलक की तैयारी शुरू है। सब कुछ आप लोग के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी जो है समाप्त कर दें, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना, तो हम ब्लॉग जो है समाप्त नहीं कर पाए थे, सोचा चलो सुबह कर देते हैं। तो ये देखो मैंने अपनी नाइट वाली ड्रेस पहन ली थी और साड़ी, यहाँ पे तो जा रहे हैं हम नहाने के लिए। चलो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आराध्या फिर मुलाकात करेंगी। बाय दोस्तों।